सर्दी के मौसम में दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण कई राज्यों की राजनीति में गर्माहट पैदा कर देता है। ऐसे में हरियाणा सरकार लगातार पराली जलाने को लेकर सजग नजर आ रही है। पिछले दिनों हरियाणा कृषि विभाग में 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो दूसरी ओर पराली जलाने वाले किसानों पर FIR और जुर्माना किया जा रहा है। वहीं अब हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से पराली न जलाने को लेकर खास अपील की और कहा कि कोई भी किसान पराली जलाकर हरियाणा को बदनाम न करे बल्कि इसे बेचकर मुनाफा कमाए। पराली जलाने को लेकर पराली आपने देखा एक या किसानों पर आरोप लगा रही है पराली जलाने को लेकर। ऐसा सुनो, वो उसका आदत है। आपको पता है कम से कम 24 से 26 अधिकारियों के ऊपर कितना खिलाफ एक्शन हुआ है, कितने किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार गंभीर है और सरकार गंभीरता से ये चाहती है कि हरियाणा का नाम किसी भी तरह से हरियाणा का नाम ना आए और पूरे तरीके से। अब इसमें भी जागरूकता की बात है, इसमें मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि आप संपर्क करें, विभागों से संपर्क करें, आपके घर के आगे आपके खेत के सामने आकर के आपकी समस्या का समाधान निकलना। सरकार ने किया, इतनी सब्सिडी दे रही है, इतने आपके इंस्ट्रूमेंट दे रही है, सारे हर तरीके की सुविधा सरकार दे रही है। तो आप ये बिल्कुल इस चीज से दूर रहें कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, इससे हरियाणा का नाम भी छोटा होता है कि भाई हरियाणा का किसान जो है आज भी वो कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत किसानों में जागरूकता आई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन जिसमें अगर कहीं कमी है तो उसको भी हम दूर करें। अरविंद जी, ये मुझे अभी इस बारे में कांग्रेस लगातार कह रही है कि किसानों पर FIR दर्ज की जा रही है। जैसे कांग्रेस, देखो एक बात सुनो, ये बाब ने बताओ कांग्रेसी होगा पत्रकार हो, ऐसी बात सुनो सुनो मेरी बात वो लगाती रहे। विपक्ष का नहीं, नहीं विपक्ष का काम, फिर मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम आरोप लगाने का, आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का रहता है, सरकार का काम काम करने का। सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार, दूसरी बार नायब जी बने हैं मुख्यमंत्री। 100 दिन के अंदर आपको फर्क नजर आएगा किस तरह से सरकार काम करे, किस स्पीड से सरकार काम। दरअसल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में आज वो गांव फुलहेडी में CRPF द्वारा ऑक्सीजन बाग लगाने के अभियान में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पर्यावरण को लेकर हमेशा से ही सजग हैं और कोरोना काल के बाद हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ पेड़ लगाए गए हैं और सोनीपत में हर गाँव में ऑक्सीजन बाग लगाने की मुहिम भी जारी है। इसके अलावा हरियाणा का किसान समझदार है और पराली बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। कुछ एक किसानों की वजह से हरियाणा बदनाम हो रहा है, हमारी उनसे विनती है कि वो पराली ना जलाएं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।